अहम् बांसुरी स्वराजः यः लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः ईश्वरस्य नामना शपे यद् अहम् विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारिष्यसि। श्री अमित शाह। अठारहवीं लोकसभा का पहला दिन सदन में विपक्षी दलों के सांसद संविधान की प्रति लेकर पहुंचे। लोकसभा में कार्यवाहक अध्यक्ष भर्तृहरि महताब ने सदस्यों को शपथ दिलाई। सबसे पहले बारी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। विपक्ष हाथ ऊपर उठाकर कुछ दिखाना चाह रहा था, तभी सत्ता पक्ष के सदस्यों ने सदन में मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। सदन की आज की तस्वीरों में बहुत कुछ है, गुस्सा भी है, सामंजस्य भी है। कुछ ऐसा कि राहुल गांधी के नज़दीक बैठे अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के हाव भाव देख जवाब देने में देरी भी नहीं की। बांसुरी स्वराज जब सदन में शपथ ले रही थी तो क्या खास था? कंगना रनौत ने सदन में किस आवाज़ को सुनते ही हाथ जोड़ लिए? सदन में क्या कुछ हुआ, सब कुछ बताने वाला आपका चहेता शो संसद में आज हाजिर है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और चलिए शुरू करते हैं संसद में आज की कार्रवाई। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। सदन में लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष भर्तृहरि महताब ने सदस्यों को शपथ ग्रहण कराने के लिए आमंत्रित किया। महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम पुकारा। जैसे मोदी खड़े हुए, विपक्षी दलों के सांसद संविधान के प्रति दिखाने लगे। वो लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के नज़दीक लगे पोडियम तक पहुँच गए, शपथ ली। अब बारी है अगली तस्वीर की, जिसकी चर्चा खूब हो रही है। दरअसल शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री ने सदन में सभी सदस्यों का अभिवादन किया। जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने देखा तो उन्होंने भी हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। ये लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरों में से एक बताई गई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। बिहार के पूर्वी चंपारण से बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह, मध्य प्रदेश के मंडला से बीजेपी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, राजनाथ सिंह, इन सब ने लोकसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ली। 11:14 का वक्त हुआ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम पुकारा गया। शाह के उठते ही विपक्षी दलों ने संविधान के प्रति को हाथ में उठाकर फिर से दिखाना शुरू कर दिया। इस बीच संसद में एक आवाज गूंज रही थी, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की। वो कह रहे थे कि संविधान की रक्षा हम करेंगे। शपथ के क्रम में नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, एचडी कुमारस्वामी, पीयूष गोयल समेत कई सदस्यों ने शपथ ली। लेकिन जब बारी आई ओडिशा के संबलपुर से बीजेपी सांसद धर्मेंद्र प्रधान की, तो विपक्षी सांसद सदन में नीट नीट के नारे लगाने लगे। शपथ प्रक्रिया इस हंगामे के बीच लगातार चलती रही। जीतन राम मांझी, ललन सिंह, सर्वानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राम मोहन नायडू, इन सब ने शपथ ली। दोपहर 1:03 पर सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया।
कार्यवाही फिर शुरू होने के साथ बाकी बचे सदस्यों ने शपथ ली। कई कांग्रेस सांसद इस दौरान हाथों में संविधान के प्रति लेकर शपथ ग्रहण करते नजर आए। सदन में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पंजाबी भाषा जबकि गौरव गोगोई ने असमिया में शपथ ली। सदन में अलग अलग दलों के सांसद जो अलग अलग जिलों से निर्वाचित हुए हैं लोकसभाओं से, उन्होंने अपनी स्थानीय भाषाओं में भी शपथ ली। बीजेपी सांसद श्रीपद नाइक आंध्र प्रदेश के बापतला से, टीडीपी सांसद कृष्ण प्रसाद टेनेटी समेत कई सांसदों ने संस्कृत में भी शपथ ली। संस्कृत में शपथ लेने वालों के क्रम में नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज भी शामिल रही। अहम बांसुरी स्वराज यह लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः ईश्वरस्य नामना शपे यद अहम विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारिष्यसि। अहम भारतस्य प्रभुतां अखंडतां च अक्षुण रक्षिष्यामि तथा यत् पदं ग्रहितुम् अहम् उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निरीक्षिष्यामि। हिमाचल की मंडी से बीजेपी सांसद बनी कंगना रनौत ने भी सदस्यता की शपथ ली। जब वो सिग्नेचर करने पहुंची तो उन्हें बधाई देने की एक आवाज सदन में गूंजी। इस पर कंगना ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। मैं कंगना रनौत, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूं, ईश्वर की शपथ लेती हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। श्री अनुराग सिंह ठाकुर। शाम 6 बजे सदन की कार्यवाही को 25 जून सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 24 जून को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेस को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 25 जून का जिक्र कर इमरजेंसी की याद दिलाई। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज हम 24 जून को मिल रहे हैं, कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतंत्र लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी। बाकी हमने आज की कार्रवाई को समेटने की कोशिश की है। जो कुछ बच गया है वो सभी आपको मिलेगा दी ललन टॉप पर। ये शो आपके लिए लिखा है हमारे साथी हिमांशु ने, हमें निखिल और रिकॉर्ड करने वाले साहब हैं जतिन। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।